तो आ गए सारे, कैसे होते यार। आज जो हम लोग बात करेंगे वो तो तुमको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। और पता है मुझे यार, वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है, बट कोई बात नहीं यार, वीडियो को शायद जल्दी से शुरू करते हैं। और कान के छेदों में अपने ईयरफोन डाल लेना और वीडियो को शुरू करना। मतलब यार आज से 2 दिन या 3 दिन पहले ही मेरे साथ मतलब एक रचनात्मक घटना हुआ जो कि वास्तविक से बिल्कुल ही परे है, ठीक है। तो यार हर बार की तरह इस बार भी मैं यार अपने छोटे वाले अकाउंट में था, क्योंकि यार मुझे यार अपना उसमें क्लैश वर्ल्ड में उसमें रैंक पुश करना था। लाइक हीरोइक तक मैं पहुंच ही गया था, लाइक डायमंड 4 में था मैं। मतलब 8-10 दिन में मैं डायमंड 4 तक मैं पहुंच गया। तो उसमें मेरे को मतलब मेरे साथ एकदम मतलब अजीब सा घटना हुआ, ठीक है। तो मैं तुमको बताता हूँ। तो मतलब वो हुआ कुछ ऐसा कि एक दो बंदे आए मेरे को रैंडम में, मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे तो उन लोगों ने इन्वाइट किया। तो मैं सोचा कि सोलो खेलता हूँ, इससे अच्छा तो फिर किसी के साथ ज्वाइन ही कर लेता हूँ। तो मैं ज्वाइन किया उसमें। उसमें एक मतलब एक रैंडम बंदा था जो बोल नहीं रहा था, एक बंदा था जो बच्चा था, ठीक है। वो बोल रहा था कि एक दूसरे बंदे को बोल रहा था कि भाई साहब कि तुम डीजे आलोक ले लो, ठीक है। तो मतलब बोल रहा था कि अगर तुम 3 मैच अगर मेरे साथ मतलब जो इस मैच अगर तुम जितवा देते हो तो मैं हीरोइक पहुँच जाऊँगा और तुम मतलब डीजे आलोक मैं तुमको दे दूँगा, ठीक है। तो वो लगातार यही बात बोल रहा था। मैं बोल रहा था भाई साहब सही है, मतलब अमीर इंसान होगा दे रहा होगा डीजे आलोक। तो मतलब हुआ कुछ ऐसा इसके बाद कि वो बंदा एडम से खेल रहा था, मतलब वो जो एडम नहीं होता है तो वो एडम से खेल रहा था। मेरे को लगा यार ये एडम से खेल रहा था, यार शुरू से ही मेरे को इसमें ना शक था थोड़ा सा कि मतलब ये बंदा थोड़ा अजीब टाइप से बोल रहा था। मतलब ऐसा बिहेव कर रहा था कि मतलब इसके पास पैसे है भी बट ये मतलब खरीदना नहीं चाहता या फिर कुछ मतलब कुछ ऐसे टाइप का बोल रहा था, ठीक है। मतलब सुन के शक हो रहा था। तो यार ये बंदा डीजे एडम से खेल रहा था तो लगातार उस छोटे बच्चे से मतलब वो बोल रहा था कि मैं अभी कितना 10 साल का हूँ, ठीक है। और वो बच्चा जो बोल रहा था पहले से वो बोल रहा था कि तू मेरे से भी छोटा है। तो फिर वो बोला कि अगर तू मैच ये मैच मेरे को जितवा देता है तो यार मैं मतलब तुमको दे दूंगा डीजे आलोक, ठीक है। क्योंकि वो बंदा पहले से जो डीजे एडम से खेल रहा था, जो भी एडम नाम है उसका, तो फिर वो डायमंड 3 में पहुंचा हुआ था, जो मतलब क्लासिक रैंक है उसमें तुम्हारा पहुंचा हुआ था डायमंड 3 में, ठीक है। तो इसके बाद हुआ मैच स्टार्ट, ठीक है। तो पहला मैच हुआ, तो पहला मैच ने हम लोगों ने मतलब एनिमी को डोमिनेट कर दिया। वो जो पिस्टल मैच होता है उसमें हम लोगों ने उनको डोमिनेट कर दिया, ठीक है। तो बाकी तीनों मानर जो तो मर चुके थे, मतलब मैं ही किसी तरह लो हेल्थ में 1v1 में लाइक लास्ट मोमेंट में जीत गया, ठीक है। जोन भी बहुत क्लोज था लेकिन मैं जीत गया पहला मैच। तो यार पहला मैच जैसे ही हम लोगों ने जीता तो भाई साहब नज़र लग गया फिर किसी का। फिर 3 मैच हम लोगों ने लगातार लूज़ किया, ठीक है। 3 मैच लगातार हम लोग मतलब मैच जुदा गए हम लोग का। तो फिर हुआ कुछ ऐसा कि मैं तो मतलब अच्छा ही खेल रहा था, ठीक है। मैं तो अच्छा ही खेल रहा था, वैसे तारीफ तो करना ही पड़ता है, बट मैं अच्छा ही खेल रहा था। तो मेरा 3-4-5 किल तक निकल गया था, ठीक है। लेकिन एनिमी का कोऑर्डिनेशन बहुत ही सही था। मतलब तो यार वो लोग 3 मैच जीत चुके थे, मतलब लास्ट मैच उन लोग को जीतना था। तो भाई साहब ये मैच अपन लोग हार जाते तो उस चुती एक फिर डीजे आलोक नहीं मिलता। तो अचानक से यार आप लोग का मतलब पूरा बाजी पलट गया, मतलब किस्मत ही बदल गया एकदम। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। तो सिंपली हुआ है कुछ ऐसा कि मतलब उनका एक टीममेट से मतलब एक मतलब ऑफलाइन चला गया, तो हम लोग इन लोगों को मतलब पूरा धन्य कर दिया, मतलब पूरा मारपीट के। तो हम लोग जीत गए मैच, ठीक है। तो आखिरी मतलब मस्त खेल तो यार तुम्हारा स्टार्ट हुआ मतलब लॉबी में, ठीक है। वो बंदा आता है भाई, बोलता है कि मतलब वो पूछता है कि भाई मेरे पास डीजे आलोक नहीं है, तुम डीजे आलोक दे दो, तुमने बोला कि मैं जीत गया तो फिर तुम दे दोगे। तो वो बंदा बोलता है कि मैं नेक्स्ट मैच रिचार्ज जब करवाऊँगा तब मैं तुम्हें दे दूँगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो मैं लेकिन माइक नहीं किया था, ठीक है। मैं बस सुन रहा था इनकी बकचोदियाँ, मतलब अपने ही मजे थे। तो मतलब मैं सुन रहा था। तो वो बंदा बोलता है कि भाई तुम 2 मिनट रुको, मैं आया एकदम। वो सडन निकलता है, मतलब कि मतलब जैसे ही मैच खत्म होता है लॉबी में आया, 2-3 बाद बोला वो बंदा निकल गया, एडम वाला बंदा निकल गया, ठीक है। तो मैं सोचा यार निकल गया यार, वो बोला आएगा। तो मैं मतलब निकलने ही वाला था, अगर वो बीच में अगर नहीं आता तो मैं निकल जाता, ठीक है। तो वो बंदा घुसता है आलोक लेके, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। तो वो बंदा मतलब आलोक लेके घुसता है, ठीक है। और जो वो बच्चा था, जो 13-15 साल का जो भी बच्चा था, तो वो बोलता भाई साहब आपके पास आलोक है। तो मैं अंदर ही अंदर मतलब हंस रहा था यार, मतलब क्या ही जोक था यार, ये क्या ही जोक था, मतलब ये कोई मतलब डीजे आलोक लेके तुम घुस गए, मतलब कोई बड़ा जोक थोड़ा ना हुआ यार, क्या ही बात है। तो वो बंदा भाई सब क्या ही चहे कराता है, जो बच्चा था यार क्या ही चहे कराता। तो यार इससे पता चलता है यार कि मतलब डीजे आलोक का डिमांड मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है अपना। मतलब फ्यूचर तो भाई अपना डीजे आलोक में ही सब कुछ टिकने वाला है, ठीक है। लोग डीजे आलोक मतलब का स्ट्रीम करके ही मतलब काम चला रहे हैं। मैं अभी 10-20 हज़ार लेके बैठ जाऊँ तो आने वाले 6 महीने के अंदर तो मेरा 1 मिलियन शायद पहुँच जाए। तुम लोग भगवान मान लोगे मेरे को।
तो मतलब ऐसा चल रहा है सब कुछ सिस्टम। तो ये मतलब वो जो क्लैश कोर्ट का मैच में था साला यार, उसमें मैं कितना अच्छा खेल रहा था, मतलब मेरा 13 किल निकल गया था, लेकिन वो भोसरी वाले बोल रहे थे कि भाई तू तेरा मूवमेंट तो अच्छा है लेकिन तेरा वन टैप नहीं लगता। तो ये सुनकर जो मेरा दिमाग गर्म हुआ भोसरी वाला, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब उसको मतलब वो लोग खेल रहा था भाई चारों तरफ, मतलब घुस घास के अलग अलग चल जाता था और मर जाता था तीनों, लास्ट में अकेला मैं बच जाता था। तो मैं किसी तरह निकाल लेता था यार, इधर उधर से मतलब चेप देता था किसी का, मतलब किसी तरह निकाल दिया ठीक है मैच, लेकिन उनका मतलब वन टैप नहीं लगता था। मतलब ये ऐसा ही फ्यूचर होने वाला है ठीक है, वन टैप आदमी के मतलब जो घुस चुका है एकदम दिमाग के अंदर, मतलब वन टैप नहीं लगता तो तुम साला पक्के नोबी हो ठीक है। मतलब मेरा इतना अच्छा लग रहा था भाई, ये बॉडी शॉट लेके मैं नॉक तो कर रहा था यार, मतलब भले अच्छी लंड मेरा बट मैं नॉक तो कर रहा था यार अच्छा से, कम से कम ग्लोबल तो मेरा टाइम पे लग रहा था, लेकिन उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको तो वन टैप देखना है ना, हर तरफ उनका आँखों में वन टैप ही घूमते रहता है ठीक है भाई। बाइक के भी जब तुमको कोई बोलेगा तुम अच्छा खेलोगे तो वन टैप नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता, तो भाई कैसा लगेगा तुम ही सोच लो। भाई यूट्यूब पे कुछ भोसरी वाले मतलब ऐसे हैं, मतलब जिसके जिसके पास मतलब हर एक गन का उसके पास वन टैप है ठीक है, मतलब वो हर एक चौथा दिन एक ही वीडियो बनाता है, वन टैप सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, मतलब हर एक गन का उसके पास वन टैप है, और हर एक गन का मतलब वन टैप वो एक्सप्लेन करता है, मतलब ऐसे ही वो व्यूज़ छाप रहा, मतलब लिटरली मतलब पूरा फ्री फायर से अब तो साला कंटेंट कम पड़ने लग गया ठीक है, कंटेंट कम पड़ने लग गया इधर उधर से, मतलब जो मन सो कंटेंट बना रहे, मतलब गेम प्ले का तो कोई कंटेंट बनता ही नहीं, इसके अलावा बाकी सब बन जाता है ठीक है, प्रैंक प्रैंक चलता है फिर भी, लेकिन उसका भी भाई साहब पूरा ही बिजनेस बन गया, जो मतलब ये बिक गई है, हर हफ्ते में मतलब 4-5-6 वीडियो तो तुम्हारा वैसे ही कहा जाता है, फिर बीच में एक गेम प्ले वीडियो डाल दो, एक एक्सप्लेन वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स डाल दो, बस तुम्हारा एक हफ्ता कंप्लीट ठीक है, फिर दूसरा दिन सेम वही उल्टा कर दो उसका, बस काम चल जाता है ऐसे ही, ऐसे पूरा महीना निकाल लेती है लोग, मतलब कंटेंट के नाम पे भाई सब अभी जीरो हो चुका है पूरा, मतलब उसके अलावा बाकी सब कुछ है ठीक है, क्या उसके अलावा बाकी सब बकचोदिया तुमको इधर मिल जाएगा ठीक है कंटेंट छोड़ के ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारी चीज़ आती है जो वो हो गया तुम्हारा भाई, तुमने विजुअलाइजेशन सही किया, मतलब देखने लायक अब गेम बहुत ही अच्छा दिखता है पहले से, पहले के मुकाबले तो दिखता है, वो भी तुमने इतना टाइम लगा दिया, मतलब जबकि तुमको और पहले करना चाहिए था, लेकिन चलो तुमने किया तो सही, तो फिर तुमने किया ठीक है। इसके बाद तुमने मतलब गेम को थोड़ा स्मूथ बनाया, वो भी चलो मैं मानता हूँ, बट तुमने मैकेनिज्म ही ऐड नहीं किया, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब आगे बाकी सब गेम इतने ज़्यादा मैकेनिज्म ऐड कर रहे हैं लेकिन तुम मैकेनिज्म ऐड नहीं कर रहे हो। अगर तुम ये बात लेके बैठे हुए हो, ये करीना वाले अगर ये बात लेके बैठे हुए हैं कि ये अभी भी गेम 1 GB, 1 GB, 2 GB के लिए, तो मैं बता दूँ कि इसका टोटल फाइल ही तुम्हारा 2.5 GB का तुम्हारा ठीक है, टोटल फाइल ही तुम्हारा इसका पूरा गेम का 2.5 GB का है, तो भाई सब ये 1 GB में कहाँ से चलने लग गया, और ऊपर से भाई सब तुम अगर 2-3 GB वाले फ़ोन में खेलते हो तो तुमको पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ भाई सब हद लैग करता है ठीक है, उतना लैग में गेम नहीं खेला जा सकता, उतना स्ट्रगल करके कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है, तो लोग आईफोन में नहीं खेलते अगर इतना ही अच्छा चलता तो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे भाई साहब, इस मतलब कितना कुछ ऐड किया जा सकता है, मतलब तुम एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कूदते हुए तुम जंप करते हुए तुम नहीं मार सकते, मतलब इसके बाद और भी सारे चीज़ें यार, जॉयस्टिक का मतलब लिटरली अब कोई काम ही नहीं है, तो मतलब जॉयस्टिक तो वैसे ही बेकार है ठीक है, तो फिर तुम इसमें जायरो वायरो वगैरह ऐड कर सकते हो जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है ठीक है, लोगों को जायरो तुम ऐड करोगे तो भाई सब पबजी प्लेयर भी आएंगे खेलने के लिए भाई, उनका उनको भी कोई मतलब ठेगा नहीं पड़ा हुआ लेकिन ठीक है, लेकिन वो लोग आएंगे ज़रूर खेलने ठीक है, क्योंकि उनको जायरो अब आदत हो चुका है ठीक है, और भी बहुत सारे मैकेनिज्म है जो मतलब जो करीना वाले आराम से ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो मेहनत लगती है इनको, इन भोसरी वाले को तो भाई सब बस डेली हर एक दिन इसको इनको मतलब स्किन ही डालना है ठीक है, नया नया स्किन डालो और तुम लोग खरीदते जाओ, मतलब खाली पैसा लूटते हैं यार बहन, जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोट के बच्चे। अब जो यार इसका टूर्नामेंट कैटेगरी है तो भाई साहब ये हाल फिलहाल में आया ठीक है, जब पबजी बैन हुआ इसके बाद से मतलब इन लोगों ने पूरा फोकस डाल दिया टूर्नामेंट पे, क्योंकि पता है यार टूर्नामेंट ऐसे इतना बड़ा क्राइटेरिया है, मतलब लोग पागल है, मतलब ऐसे ही पागल है भाई सब पबजी के टूर्नामेंट के लिए, भाई सब हर एक मतलब दिन मतलब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के कस्टम्स होते रहते हैं, जो फाइनल तक होता पहुँचता है वही जाता है, मतलब जो हाई लेवल के जो टूर्नामेंट होते उसमें जाता है, तो मतलब फ्री फायर वालों ने भी पूरा एकदम जोर लगा दिया इसमें, मतलब इससे पहले ये लोग मतलब मुंह दिया के खाली बैठे हुए थे और खाली स्किन बना रहे थे, तुम लोग खाली चेप रहे थे, मतलब तुम लोग का खाली चेप रहे थे ठीक है, मतलब ऐसा ही चल रहा है इनका, मतलब ये लोग मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं इनको क्या ऐड करना नहीं ऐड करना, बट मतलब ये लोग ऐड करने से भाई है नहीं इनको, बस मतलब एक सवर के एक खाली स्किन बनाने हैं गन के, मतलब लिटरली तुम गन के स्किन के अलावा तुम गेम में देख लो और कुछ भी ऐड नहीं हो रहा ठीक है, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ डेली गन के स्किन और इवेंट ऐड हो रहे हैं बस, हर एक दिन तुम्हारा इवेंट देखने को मिल जाएगा, तुमको जो इवेंट चाहिए हर एक दिन मिल जाएगा, तुम्हारे पास अंधा पैसा है भाई सब, बस तुम यूट्यूब पे आ जाओ और बस वीडियो बनाओ ठीक है, वीडियो बनाओ अनबॉक्सिंग करो ये वो करते रहो, डायमंड वगैरह डोनेट करते रहो, बस तुम ऐसे ही फेमस हो गए, गेम प्ले झांट भाई सब कुछ नहीं। तो भाई मैं यार करीना वालों को यार एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा यार, तुम लोग सही करो यार गेम को यार, अब गेम मतलब खेलने लायक भी नहीं, अच्छा नहीं लगता यार, क्या ही बताऊँ गेम को, मतलब खेल भी नहीं सकते सही से, बट लोग तो बस वही इंटरेस्ट के लिए खेलते हैं कि यार नया स्किन आया वो आया नहीं आया वगैरह वगैरह, जिसको खरीदना नहीं है जिसका माचो डालो फिर।
तो बताओ ऐसा तो नहीं होता ना। तो फिर मैं बस इतना ही अपील करूँगा यार, तुम लोग नया चीज़ें डालो यार, बस तुम आइकन वाइकन चेंज कर दे तो उससे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है? तुम नया चीज़ें ऐड करो, नहीं मतलब इतना बड़ा स्क्रीन, तुम इतना बड़ा फ़ोन वोन लेते हैं तो भाई क्या ही फ़ायदा यार, मतलब इतना सा चीज़ें रख के, मतलब नहीं होता हम लोग का, ठीक है? तुम नया चीज़ें ऐड करो, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। तो यार थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो यार मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो यार तुमको करना लाइक, और तुमको ज़्यादा पसंद आ गई तो तुमको करना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, 2-3 सेकंड लगता है करने में, तो यार कर देना इसको। और यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायनारा।